लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार में जुट चुके हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। उधर पंजाब भाजपा और उसके नेता भी प्रचार करने में तन मन धन से लगे हुए हैं। चुनाव में और उससे पहले वाद विवाद, टीका टिप्पणी, ये सब होना आम बात है। पंजाब के लुधियाना से बीजेपी उम्मीदवार रवनीत बिट्टू की ओर से अपने दादा और पूर्व सीएम बेअंत सिंह की तस्वीर प्रचार के लिए बोर्ड पर लगाने से विवाद हो गया। बिट्टू बीजेपी के विज्ञापन बोर्डों पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की तस्वीर लगाई है। वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने तंज कसा है। वंडिंग ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, बिट्टू जी आप तो भाजपा के खेमे में खड़े होकर सत्ता की भूख वाली अपनी शख्सियत को जग जाहिर कर चुके हैं, लेकिन सरदार बेअंत सिंह की उस सफ़ेद पगड़ी को तो बख्श दें, उन्हें बदनाम ना करें। उनकी तस्वीर का बोर्ड लेने के लिए इस्तेमाल करके उनकी शहादत का मजाक बना रहे हैं। बता दें, रवनीत बिट्टू कुछ समय पहले ही कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। 26 मार्च को लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू भाजपा में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा था। बिट्टू पंजाब के बड़े नेता माने जाते हैं, उनकी राजनीति में अच्छी पकड़ है और पंजाब में अच्छा जनसमर्थन मिलता रहता है। जब बिट्टू कांग्रेस में थे तो ऐसा माना जाता था कि वो राहुल गांधी के बहुत बड़े करीबी हैं। बता दें कि पंजाब में पहले ही इंडिया अलायंस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन सीटों को लेकर मतभेदों से गुजर रहा है। उधर आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था कि पंजाब की सभी लोकसभा सीटों पर वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। रवनीत की ओर से अपने दादा की तस्वीर इस्तेमाल करने पर बवाल मच गया। लोग उनके इस पोस्ट का विरोध कर रहे हैं। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते रवनीत बिट्टू पंजाब में कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। अपने लोकसभा क्षेत्र में उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत है।